एक खिलाड़ी सब पे भारी। हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी है वो भी प्रेस कर देना ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, तो दोस्तों यार मतलब कि ये जो ईद होने वाली है ना भाई, बहुत तहलका मचने वाली है। बहुत लोगों का कहना कि ये तूफ़ान आने वाली ईद पे, लेकिन तूफ़ान तो ऑफकोर्स आएगी दोस्तों, नो डाउट। तूफान तो बहुत बड़ा आएगी, वो भी किसकी तरफ से आएगी? BMCM। जी हाँ दोस्तों, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की तरफ से बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। जाहिर सी बात है यार, वो मूवी बहुत बड़ी है दोस्तों और बहुत बड़ा एक्शन मूवी है वो, तो जाहिर सी बात है धमाका तो होने वाला है। लेकिन दोस्तों, मुझे पता नहीं यार किस कुत्ते ने काट डाला है बोनी कपूर साहब को, जो कि उन्होंने यार अपनी मूवी मैदान को उसी डेट पर रिलीज के लेके सोच रहे यार। मतलब कि यार हद है भाई, हद है। मैं आपको बता दूँ ना यार, देखो यार BMCM ना 100% 40 से 45 करोड़ का बिजनेस करके जाएगी। पहला दिन दोस्तों, फर्स्ट डे जो ओपनिंग होगी ना इसकी, वो सिर्फ 40 से 45 करोड़ ऊपर जा सकती है, लेकिन नीचे नहीं आ सकती है दोस्तों। अगर हम मैदान की बात करें तो मैदान की ओपनिंग हम अभी से यार प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते हैं, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ आपको प्रेडिक्शन। अगर यकीन नहीं होगा तो आप ये वीडियो सेव कर लेना, ठीक है। देखो, मेरी तरफ से मैदान मूवी को प्रेडिक्शन 5 करोड़ की ओपनिंग लगेगी दोस्तों। मैं कुछ ज़्यादा बोल गया लगता है ना, फिर भी 5 करोड़ की ओपनिंग लगेगी, मेरे से लिख के ले लो आप। और सेकंड आपको एक और बताता हूँ मैं, वो रीज़न क्या है। रीज़न ये है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ की हाइप जो है ना बहुत ज़्यादा है। मैदान की हाइप ऑलरेडी क्यों कम हो गई पता है आपको? उसकी वजह ये है कि वो मूवी बहुत बार पोस्टपोन हुई है। इस डेट पर आएगी, उस डेट पर आएगी। पिछले साल यार जब भोला रिलीज हुई थी उस दिन इसकी टीज़र आई थी, तो सोचो एक साल होने वाले भाई, एक साल, अब जाके वो मूवी आ रही है, तो सोच सकते हो यार किस लेवल में हाइप किसकी है, किस लेवल में हाइप किसकी नहीं है। तो गाइस, बड़ा धमाका बड़ी मियाँ छोटे मियाँ करेगी और छोटा धमाका करेगी दोस्तों मैदान। हालांकि मैं मानता हूँ कि मैदान का जो कॉन्सेप्ट है ना भाई, बहुत ज़बरदस्त है, कंटेंट उसकी ना बहुत तगड़ा होने वाला, नो डाउट। लेकिन ये जो रिलीज डेट है ना भाई, वो रिलीज डेट रॉन्ग इन्होंने डिसीजन लिया है, तो इस पर हम बोल सकते हैं कि वो मूवी कहीं ना कहीं ऑन द मूव गिर जाएगी बॉक्स ऑफिस पे। और हाँ, एक बात और है भाई, बड़े मियाँ छोटे मियाँ अगर कंटेंट ज़बरदस्त निकली और मूवी में दम निकली तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन लेकिन मेरे भाई, BMCM का कंटेंट थोड़ी सी भी ढीली निकली ना भाई, ऑडियंस के तरफ से अगर नेगेटिव रिव्यूज़ आने लगे ना, फिर तो भाई मैदान को हरी झंडी मिल सकती है। लेकिन मेरे को तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके डायरेक्टर कौन है भाई, आपको पता है, आलिया भट्ट जफर। अगर इसके डायरेक्टर अहमद खान फराज साहब जी होता ना भाई, तो मैं ना लिख के देता ना बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में, ये पहला दिन ओपनिंग में अच्छी लगती है लेकिन सेकेंड डे ये मूवी सो जाती। लेकिन नहीं, फराज समझिए और अहमद खान नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कौन है? अली अब्बास जफर। तो यार आंखें बंद करके सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस मूवी को, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जितनी बड़ी फिल्म इसके साथ क्लेश करे, ये मूवी झंडे गाड़ने वाली है दोस्तों। तो गाइज, आप कितने सहमत हो हमारी बातों से और आपके हिसाब से क्या लगता है कौन मूवी कितना धमाका करेगी, कौन कितनी मूवी ओपनिंग लेगी, ये हमें जरूर कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।